नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा में दोषी पाते हुए एक युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 2500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सकतपुरा में रहने वाली 15 साल की एक लड़की पड़ोस में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम को अपने घर से निकली थी, लेकिन जब वो देर रात तक घर नहीं लौटी तब परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने लड़की को काफ़ी ढूंढा। परिजनों को आशंका थी कि पड़ोसी बलवीर सिंह का लड़का अजय गुर्जर लड़की से बातचीत करता था। संदेही के रूप में अजय का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसे उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अजय ने लड़की को अपने घर से बरामद करा दिया। लड़की के बयान के आधार पर अपहरण बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। घटना करीब 2 साल पुरानी है। अभियोजन पक्ष अपनी कहानी साबित करने में सफल रहा और पास्को की विशेष कोर्ट ने आरोपी अजय गुर्जर को अपहरण बलात्कार का दोषी माना और उसके खिलाफ सजा का ऐलान किया, जिसमें अजय गुर्जर को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। उस पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में पिता बलवीर सिंह भी आरोपी बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। मामला ये है कि एक सक्तापुरा की एक नाबालिग पीड़िता थी, जो एक कार्यक्रम में मोहल्ले में गई शाम को 7 बजे। 8 बजे तक जब वो घर लौट कर नहीं आई तो उसके पिता ने कई जगह तलाशा, फिर ज्ञात हुआ कि उससे एक अजय गुर्जर है वो बातचीत करता था, तो उन्हें उस पर शंका हुई, जिसकी थाना हस्तिनापुर में उन लोगों ने रिपोर्ट की। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, लड़की को दस्तयाब किया। पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि वही व्यक्ति ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इसके बाद अनुसंधान उस उक्त अजय गुर्जर पर प्रमाणित पाते हुए उसको अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जहां पर अभियोजन के तर्कों से माननीय न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह ने संतुष्ट होते हुए आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास पॉक्सो एक्ट में एवं 366 में 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास दिया है। ग्वालियर जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने 500 रुपये की रिश्वत लेने वाले भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय के नकल शाखा प्रभारी को 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल डबरा तहसील के छीमका में रहने वाले अवधेश शर्मा के पूर्वजों की जमीन गांव में स्थित है। उसे अपने पूर्वजों की जमीन का नक्शा और नकल की प्रमाणिक प्रतिलिपि चाहिए थी। इसके लिए उसने नकल शाखा प्रभारी रमाकांत दुबे से संपर्क किया, जिसने फरियादी अवधेश शर्मा से निर्धारित फीस के अलावा 500 रुपये की रिश्वत मांगी। 23 जुलाई 2015 को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई और लिपिक को पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें नकल शाखा के प्रभारी रहे रमाकांत दुबे को 2 अलग अलग धाराओं में 3 और 4 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में रमाकांत दुबे एक भू अभिलेख बंदोबस्त के लिपिक ने छीमका ग्राम के अवधेश से नकल जो ग्राम छीमका की कुछ नकलें थीं उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि की एवज में वैध पारिश्रमिक से भिन्न 500 रुपये की मांग की, जो उसके द्वारा दिए जाने पर लोकायुक्त द्वारा उसको ट्रेप किया गया, जिसका विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री रामजी गुप्ता जी के यहाँ पर चला, और जिसमें अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होते हुए धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में उसको 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को देश के प्रथम सेवक और चौकीदार के रूप में पेश किया। इसी के तहत 31 मार्च को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बड़े टाउन हॉल कार्यक्रम के जरिए देश भर के 500 स्थानों से लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस आयोजन का मुख्य स्थान नई दिल्ली होगा, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी सभी साथी चौकीदारों के साथ संवाद करेंगे। इसी क्रम में ग्वालियर में आज 31 मार्च को शाम 5 बजे मेला ग्राउंड स्थित फैसिलिटी सेंटर में आयोजित होगा
इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इकतीस तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं हूं चौकीदार, ये हम सब जानते हैं कि मैं हूं चौकीदार, ये बात क्यों आई और इसको लेकर वो समाज के विभिन्न वर्गों में, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, व्यवसायी हों, शिक्षक हों, ऐसे तमाम तरह के जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनसे अलग अलग चर्चा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम 12 स्थानों पर आयोजित होगा और 500 स्थानों पर लोग इसको देखेंगे। करोड़ों की संख्या में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, घरों में टेलीविज़न पर भी लोग देखेंगे। और ये कारण सिर्फ इसलिए है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश का हर नागरिक चौकीदार होना चाहिए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारी क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरों का क्षेत्र हो, सब में चौकीदार की भूमिका प्रत्येक नागरिक को निभानी चाहिए। तो सबको मालूम है कि विपक्ष के नेता जिन्होंने ये शब्द कह दिया था कि चौकीदार ही चोर है, तो इसका पूरे हिंदुस्तान में प्रतिक्रिया देखने को सबको मिली और माननीय मोदी जी ने 25 लाख चौकीदारों को संबोधित किया। इसी कड़ी में देश के हर नागरिक को उन्होंने आह्वान किया है कि हर देश का नागरिक चौकीदार है और चौकीदार में भूमिका में रहकर इस देश की सुरक्षा में लगे, इस देश के निर्माण में लगे। हम सब भी चौकीदार हैं, आप सब भी चौकीदार हैं, इसलिए 31 तारीख को एक कार्यक्रम मेले के फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। 4:30 बजे सबको बुलाया है, वहाँ पर 5 बजे माननीय मोदी जी शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या विधि के क्षेत्र में किसी से भी चर्चा कर सकते हैं। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के CSP RS भोज की बीती रात मौत हो गई। बताया गया है कि वे शुक्रवार को अपनी ड्यूटी निपटाकर पुलिस लाइन स्थित आवास में सोने के लिए चले गए थे और सुबह जब सर्वेंट उन्हें जगाने पहुंचा तो उनकी नाक से खून निकलता दिखाई दिया, सांस भी थम चुकी थी, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और CSP को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद CSP के शव का PM कराया गया और PM के बाद यहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के CSP RC भोज की बीती रात अटैक के चलते मौत हो गई। 57 साल के भोज दतिया से ग्वालियर आए थे और बेहट SDOP भी रह चुके हैं। वे यहां पुलिस लाइन में क्वार्टर नंबर 3 में निवास करते थे। उनके साथ उनका एक भाई भी क्वार्टर में साथ रहता था और बीती रात शिवपुरी से पहुंचा एक आरक्षक बीरबल भी उनके क्वार्टर में आया हुआ था। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए और सुबह जब CSP अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो साथी सर्वेंट ने जाकर देखा तो उनकी नाक से खून निकल रहा था, जिसके बाद उन्हें JH पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं तो कल आया था सरकारी काम से शिवपुरी से यहाँ ग्वालियर, तो मैं मिलने साहब से यूनिवर्सिटी गया था ऑफिस में, वहाँ से मैं साथ में आया तो मिनी कंट्रोल रूम वहाँ पहुँचे अपने इसमें मुरार में, वहाँ से साथ में ही हम लोग आए और बगले पहुँचे थे, तो मैं वहीं साथ में हम लोग शाम को, तो हम लोगों ने वहीं रुके थे साथ में, साहब अलग रूम में सो रहे थे, हम लोग अलग रूम में सो रहे थे, भैया था एक और बंदा वो भी अलग रूम में सो रहे थे तीनों। हमें तो सुबह मालूम पड़ा था सर। नहीं, हमारे साथी अधिकारी यहाँ CSP RC भोज यहाँ पर ड्यूटी रत थे और अभी आज सुबह जो उनके साथ में लोग थे घर में रहने वाले, वो अस्पताल लाए और उस समय जब यहाँ अस्पताल लाए तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड हैं, तो उनका PM करा करके और आगे जो मर्ग जांच है वो की जा रही है और साथ ही हम सभी के लिए बहुत दुखद है साथी अधिकारी हमारे। पुलिस महकमे के एक बहादुर पुलिस अधिकारी की असमय हुई मौत पर पुलिस महकमे में जहां शोक की लहर दौड़ गई, वहीं उनको अंतिम क्षणों में श्रद्धांजलि देने भी पुलिस अधिकारियों से लेकर सभी साथी पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिस लाइन परिसर में CSP RC भोज को श्रद्धांजलि देने विशेष व्यवस्था की गई, जहां IG DIG पुलिस कप्तान से लेकर सभी पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी यहाँ पहुँचे और पुष्प अर्पित कर CSP को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके शव को उनके मुरैना स्थित निवास के लिए रवाना किया गया। हमारे साथी अधिकारी RC भोज साहब यहाँ CSP यूनिवर्सिटी थे और कल रात तक हम सारे लोग साथी ड्यूटी कर रहे थे, अचानक सुबह पता चला कि उनके जो साथी हैं
घर में वो बातचीत नहीं कर रहे थे, उनको अस्पताल ले गए जहां मृत घोषित किया गया। और हमारे साथी अधिकारी, बहुत दुख की बात है और हम अपनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहां पर हुआ है, सारे पुलिस परिवार के लोगों ने दी है और हम उनके आकस्मिक निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गत वर्ष 2 अप्रैल को हुई घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे को इस साल भी कुछ गड़बड़ी होने की आशंका को देखते हुए 2 अप्रैल को सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। इस संबंध में कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी नवनीत बसीन और निगम आयुक्त संदीप माकिन के साथ आला अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा 2 अप्रैल को किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों का पूरा ब्यौरा भी दिया। कलेक्टर अनुराग चौधरी का कहना है कि पिछले साल के घटनाक्रम को देखते हुए इस साल स्थिति पर नियंत्रण के लिए अजाक सपाक्स सहित इस तरह की सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की चर्चा हो चुकी है और उनसे 2 अप्रैल को पूरी तरह शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आप लोगों ने, हम लोगों के यहाँ 2 अप्रैल को पिछले साल कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके तो बाद हम लोगों ने, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, इसका पूरा भ्रमण किया गया है। नंबर 2, हमारे द्वारा जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, अजाक्स हैं, सपाक्स के लोग हैं, हमारे यहाँ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, मीडिया के साथ भी आज इंटरेक्शन उसी का पार्ट है, वो सेकेंडली ये कर रहे हैं। तीसरा, हमारे यहाँ जो प्रिवेंटिव एक्शन वाली कार्रवाई है, भले वो जिला बाजार है 107-16 की कार्रवाई है, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि हिंसा की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए 250 से अधिक अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। साथ ही रूटीन गश्त, वाहन चेकिंग भी तेज कर दी गई है और अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो इंटरनेट को भी बंद करने पर निर्णय लिया जा सकता है। 3 इलीगल एक्टिविटीज हैं, एक रूल ऑफ लॉ के लिए कि जगह जगह पे पिकेट पॉइंट्स बनाए गए हैं, पुलिस का गश्त हो रहा है, कई जगह जो इलीगलिटीज चल रही थी होटलों में, बार में, उस पर कार्रवाई की जा रही है। रोड ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है और हमारे द्वारा सभी से बैठक किया गया था, तो उसके बाद जो विभिन्न इनपुट आए थे, सभी 99% लोगों ने इसको, जो जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सब ने इसको बोला है कि उस दिन किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं करेंगे, हम लोग किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपना व्यक्तिगत रूप से अपने घर में रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी और सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना रहे, और अगर हमने आज और कल में हम स्थिति का आकलन करते हैं, अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर इसमें सोशल मीडिया का दुरुपयोग वाले अगर 1-2 पॉइंट्स भी आते हैं तो हम लोग इंटरनेट की सर्विसेज कुछ समय के लिए हम बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बताया कि 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में किसी भी तरह के आयोजन, धरना, प्रदर्शन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी और किसी भी तरह की मूर्ति स्थापित नहीं होने दी जाएगी और जो मूर्तियां पहले से स्थापित हैं उनकी भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे यहाँ पिछले 1 साल में करीब 250 लोगों के विरुद्ध में जिला बदर की कार्रवाई हुई थी और जिला बदर की कार्रवाई के अंदर उसके कुछ कंडीशनल पॉइंट्स रहते हैं कि आप इस जिले के बाहर रहेंगे, किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में संलग्न नहीं रहेंगे। तो अभी 3 दिन पहले एसपी साहब को वो सूची दी गई थी, एसपी साहब ने अपने थाने की सभी टीमों को उस पर लगा दिया है, हम सभी के वेयर अबाउट्स निकाल रहे हैं, अगर किसी भी आदमी ने अगर उन शर्तों का उल्लंघन किया होगा तो उसके विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं इशू कर रहे हैं, हम लोगों ने सबको कर दिया कि ये बहुत निंदनीय घटनाक्रम था उस दिन का और किसी भी प्रकार से हम इस प्रकार के, और वैसे भी माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई भी स्टैचू लगाने की किसी को अनुमति नहीं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को राजभवन में अरविंद कुमार शुक्ला को मुख्य सूचना आयुक्त और डॉक्टर गोला कृष्णा मूर्ति एवं राहुल सिंह को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विनोद सैंबाल ने शपथ समारोह का संचालन किया। शपथ समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश VPS चौहान, लोकायुक्त और पूर्व जस्टिस नरेश गुप्ता, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं अरविंद कुमार शुक्ला, जो मध्य प्रदेश का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से
अपने पद के कर्तव्यों का है या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। डॉक्टर गोला कृष्ण मूर्ति जो मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा मैं सभी प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी योग्यता ज्ञान और विवेक से माननीय राज्यपाल महोदय आज की कार्यवाही समाप्त। सूचना आयोग को शुभकामना स्वरूप पुष्प कुछ भेंट करें। गर्मियों का मौसम जैसे जैसे अपने शबाब पर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों ने गर्मी से बचाव के इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। शहर में स्थापित वाटर एटीएम पर तो लोगों की भीड़ देखी ही जा रही है, साथ ही साथ शीतल पेय पदार्थों, नींबू की सिकंजी और गन्ने के रस की डिमांड भी बढ़ गई है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर यहाँ वाटर एटीएम और शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर राहगीरों की खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। अभी ऐसा रहा कि जैसे कि मई का जैसे अप्रैल की एंडिंग है, मई का महीना चल रहा हो, भयंकर गर्मी चल रही है, अगर पानी नहीं पियेंगे तो पूरा शरीर सूख रहा है, मतलब अगर अपन मुंह या हाथ फेस बांध के नहीं चलेंगे तो भयंकर गर्मी लगती है। मार्च का महीना है, मई जून का महीना ऐसा लग रहा है कि मई जून का महीना चल रहा है और अभी अभी मार्च खत्म ही नहीं हुआ अभी तो। देखो भैया ऐसा है कि घर पर ए सी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मई का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है। यहाँ पर हम बाहर से आए हैं, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे, पानी हम आए बुरहानपुर से आए हैं, बुरहानपुर के कंपैरिजन में कम है गर्मी पर फिर भी बहुत है। भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 की ग्वालियर इकाई के आतिथ्य में शनिवार को भारतीय जैन मिलन का क्षेत्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। कंपू स्थित महावीर भवन परिसर में आयोजित हुए इस क्षेत्रीय अधिवेशन में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जोन के जैन मिलन इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही यहाँ जैन मिलन के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतुराज जी आए हुए हैं और क्षेत्र क्रमांक 2 की सभी शाखाओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। तकरीबन 220 शाखाओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। पूरा क्षेत्र क्रमांक 2 में गुना, शिपरी, मगरौनी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुनरवर, शिवपुर, कलवारस, खनिया थाना और आपका सारा ये भिंड के बाद गोवाद, गोरमी वगैरह सारा ये पूरा अधिवेशन। जो शाखाएं सालवर काम करती हैं उन सबको उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग क्षेत्र क्रमांक 2 की सारी शाखाओं का पदाधिकारियों का जो उनके उत्कृष्ट कार्यों का उनके लिए सम्मान करते हैं ताकि ये समाज सेवा में आगे और अग्रणी रूप से लोग काम कर सकें। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।